बालाघाट जनपद पंचायत के अंतर्गत ग्राम गांगुलपारा में क्रांतिकारी अमर शहीद बिरसा मुंडा की प्रतिमा का अनावरण किया गया। इस मौके पर गांव के लोगों द्वारा कलश शोभा यात्रा निकाली गई। उसके बाद कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर अतिथियों की मौजूदगी में प्रतिमा का अनावरण किया गया तथा कार्यक्रम में बुजुर्गों का सम्मान भी किया गया। इस अवसर पर परसवाड़ा विधायक एवं आयुष मंत्री रामकिशोर कावरे ने बिरसा मुंडा के संघर्ष पर प्रकाश डालते हुए कहा कि महान क्रांतिकारी बिरसा मुंडा ने गांव-गांव घूमकर लोगों में राजनीतिक और धार्मिक जागृति लाई थी। आज भी देश की कुल आबादी में से लगभग 11% आदिवासी हैं। आज हमारे आदिवासी समाज के हमारे जनक्रांति भगवान बिरसा मुंडा जी के भी हमने मूर्ति का अनावरण किया। चूँकि ये गांव हमारा मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूर है और ग्राम पंचायत से 3 किलोमीटर और लगभग 3 किलोमीटर जंगल के अंदर है, डैम के किनारे में है। तो कई बार यहाँ पर हमारे प्रशासनिक अधिकारी और हमारे जनप्रतिनिधि भी कम आते हैं, लेकिन कल मैं कोड़िया टोला में आदिवासी हमारे महिला विश्व महिला दिवस के अवसर पर हमारे यहाँ की ग्राम की महिला उस कार्यक्रम में गई थी। तब मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि आजीविका मिशन की बहन हम महिला हैं। ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी जिन गांव में हमारे जाने के साधन नहीं थे, उन गांव में भी पहुंचाकर हमारे आजीविका के साधन बना के उन महिलाओं को सशक्त महिला बनाने का काम कर रहे हैं। आज जब हम लाडली बहना पर चर्चा किए तो हमारी सभी बहना जागरूक हैं कि लाडली बहना का जैसे ही फॉर्म भरने का प्रारंभ होगा, हमारी यहाँ के 35 परिवार की बहनें हैं वो भी इसका लाभ लेंगे। कुल मिला के हम इस ग्राम में आज हमारे जनपद के अध्यक्ष हमारे सारे जनप्रतिनिधि आकर इस गांव के विकास के लिए हम साथ ही। आपको बता दें कि जनपद सदस्य अब्दुल हक खान भूरू पटेल ने कहा कि मेरे द्वारा चुनाव में गांगुलपारा गांव के निवासियों के लिए घोषणा की गई थी कि मैं अपनी तरफ से क्रांतिकारी बिरसा मुंडा की प्रतिमा लगवा लूंगा और इसी के चलते मैंने जो वादा किया था वह आज निभा दिया। उन्होंने यह भी कहा कि भारत के इतिहास में आदिवासी जननायक बिरसा मुंडा एक ऐसे नायक थे जो युवाओं को समाज के प्रति कर्तव्यनिष्ठ होने का संदेश दिया करते थे। महिलाओं को प्रेरित करते हुए कहा कि घर से बाहर निकलकर अपनी योग्यता अनुसार कार्य करें और हमेशा अपने अधिकार के लिए लड़ती रहें। आज जो इस गांव में भूमि पूजन हुआ, बिरसा मुंडा जी की मूर्ति का अनावरण क्या था? आज इस गांव में भूमि पूजन जो हुआ वो सड़क पर लेकर था, वो बुजुर्ग सड़क के नाम से जो है 20 लाख रुपए की 2 पार्टनर 17,50,000 रुपए की स्वीकृति अधिकारियों को बताया अनुसार हुआ है। और दूसरी चीज़ ये कि हम लोग ने सरपंच महोदय जी ने हमारा जो चुनाव था जगह पंचायत का, उस समय हमने घोषणा की थी कि बिरसा मुंडा की मूर्ति जो है तो यहाँ पर गांगुलपारा में आदिवासी समाज को देने का काम करेंगे, ताकि जो भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के लिए ये सीख रहे हैं। और जो मूर्तियों की हमारा जो स्थापना करने का जो कार्यक्रम है वो लगातार हमारा चलते आ रहा है। हमारे गांव में भी सभी महापुरुषों की मूर्ति लगाई गई है और भी पंचायत में हमारे द्वारा महापुरुषों की मूर्ति जो है वो लगाई जाएगी, क्योंकि हमारे आने वाली पीढ़ियाँ जो है उस चीज़ को देख के प्रेरणा लें और सीख लें कि हमारे जो समाज के लोगों ने हमारे देश की जो बलिदान दिया है वो हमेशा के लिए यादगार बने रहे। इसलिए हम लोगों ने प्रयास किया और समाज के यहाँ का सभी लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा हमारे इस कार्यक्रम में भी, और इन लोगों की मानसिक इससे पूरी की गई है, क्योंकि गांगुलपारा गांव जो है एक पर्यटक स्थल के रूप में देखा जाता है। यहाँ पर सापनारी है, पंडार है, जंगल है, बहुत सारी यहाँ पर सौंदर्य जो चीज़ें हैं, सौंदर्यकरण की जो चीज़ें हैं वो देखने को मिलता है, ओरिजिनलिटी यहाँ पर है। तो ऐसी स्थिति में सरपंच महोदय और हमारे लोगों का प्रयास है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस क्षेत्र में जो है विकास और अच्छे से अच्छा काम करने का प्रयास कर रहे हैं। आज़ादी के इतने साल हो गए, रोड अभी तक नहीं, उसका कारण कहीं ना कहीं हमारे नेतृत्व का रहा है और कहीं ना कहीं जो फॉरेस्ट यहाँ से जो लगा हुआ है उसकी वजह से भी ये बीच में बाधाएं आने की वजह से भी ये काम जो है रुका पड़ा हुआ था। और अब कलेक्टर महोदय, सीओ महोदय, मंत्री जी के नॉलेज में अब ये चीज़ें आई हैं, तो धीरे धीरे अब ये चीज़ों को पानी और बिजली की समस्या यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है। मेन जो समस्या थी वो रोड की, तो देखते कहाँ तक वो हम लोग उसमें सफल होते हैं। हमारा प्रयास है कि वो जल्दी से जल्दी। ग्रामीण भारत टीवी के लिए बालाघाट से निकेश चंदेले की रिपोर्ट। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।